हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आईपी क्लास। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास के अंदर हमने टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट एक टॉपिक था जिसे हमने डिस्कस किया था। और टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट के साथ ही हमारी जो आईपी का सिलेबस है उसमें जो यूनिट नंबर फर्स्ट थी जिसमें 5 चैप्टर थे और जो डेटा स्ट्रक्चर पर डिपेंड थे, वो 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्लियर है? तो एक बार से मैं उन 5 चैप्टर का फटाफट से आपके सामने रिवीजन कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। और आज आपको मैं ये बता देता हूं कि अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी, नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगे, मॉड्यूल्स होंगे, उनमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कौन सी यूनिट को पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ें। देखिए, जब हमने हमारी आईपी की बुक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग सेकंड की बुक को शुरू किया था, तो उसका सिलेबस 3 यूनिट में डिवाइड था। यूनिट फर्स्ट के अंदर, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। यूनिट फर्स्ट के अंदर 5 चैप्टर थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहला चैप्टर हमारा डेटा स्ट्रक्चर खुद था, जिसमें हमने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जाना था, डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इन्हें डिस्कस किया था, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारी जो एल्गोरिथम है वो क्या होती है और एक एल्गोरिथम के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सेकंड चैप्टर जो हमने डिस्कस किया था वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था बोर्ड के बिहाफ से, जिसका नाम था एरे, जिसमें हमने एरे को डिस्कस किया। हमने देखा एक्चुअल में एरे क्या होता है, एरे कितने तरीके का है, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, एरे को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है यानी एरे में किसी वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन और आपका रन टाइम इनिशियलाइजेशन, ये हमने डिस्कस किया। देन हम जब आगे बढ़े तो हमने एरे के अंदर एड्रेस कैलकुलेशन को डिस्कस किया, सिंगल डायमेंशनल एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है, मल्टी डायमेंशनल एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है, और भी कुछ टॉपिक्स थे, पॉइंटर्स था, रिकर्सन था, मेमोरी एलोकेशन था, स्टैटिक डायनामिक, स्ट्रिंग फंक्शन थे, स्ट्रिंग कैसे बनती है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट और जो आपका कैरेक्टर कॉन्स्टेंट था, वो दोनों तरीके हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। देन एरे के बाद हमने चैप्टर नंबर 3 डिस्कस किया जो क्या था हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग्स में मैंने आपको बताया था आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, आपके पास कुछ नंबर्स हैं, उन सबको आपको एक सिक्वेंशनल ऑर्डर के अंदर जमा करना है, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें आपको अरेंज करना है, वो सॉर्टिंग थी। सॉर्टिंग करने के 5 मेथड देखे थे, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। क्लियर है? देन 4th नंबर पर हमने शुरू किया हमारा चैप्टर स्टैक एंड क्यू। वहाँ हमने स्टैक एंड क्यू को डिस्कस किया और साथ में हमने स्टैक एंड क्यू की एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया और हमने नोटेशंस को भी यहाँ पे डिस्कस किया था। और 5th जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर था वो था हमारा लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, अब भैया 5 चैप्टर हो चुके हैं आईपी के अंदर यूनिट नंबर फर्स्ट से, और यूनिट नंबर फर्स्ट का बोर्ड में जो वेटेज है वो है 20 से 22 नंबर का, यानी 56 के आपके पेपर में से 20 से 22 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो किस में से पूछे जाते हैं, केवल यूनिट नंबर फर्स्ट में से पूछे जाते हैं, जो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड थी, आपके डेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड थी। क्लियर है? अब हम लोग यूनिट नंबर सेकंड को शुरू करने वाले हैं, और यूनिट नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीटली हमारी C++ पे है। किस पे है? C++ पे। और यूनिट नंबर 3 है जो कंप्लीटली हमारी DBMS पे है। तो इस यूनिट को हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड को, यूनिट नंबर सेकंड जो हमारी C++ है। इसके अंदर जो पूरे चैप्टर हैं वो चैप्टर है हमारे 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें देखनी होगी, जैसे हमें यहाँ पे C++ के बारे में देखना होगा, जिसके अंदर हम C++ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमें चैप्टर नंबर 7 के अंदर ऑपरेटर्स को डिस्कस करना होगा, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना होगा। 8th चैप्टर के अंदर हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। 9th चैप्टर में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। 10th चैप्टर के अंदर हम कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को डिस्कस करेंगे। 11th चैप्टर के अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझेंगे और 12th चैप्टर के अंदर हम इनहेरिटेंस को समझेंगे। तो ये जो C++ वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअल में आपका जो बोर्ड में 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर होगा वो सबसे ज्यादा इसी से होगा, इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और थ्योरेटिकल अगर इसका वेटेज बात करें तो लगभग 16 से 18 नंबर के क्वेश्चन इसमें से बोर्ड में पूछे जाते हैं, यानी 12 चैप्टर में से। तो भैया इंपॉर्टेंट तो बहुत है, लाइफ में जिसको कंप्यूटर साइंस में जाना है उसके लिए बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है C++। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 11th में आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी थी और 11th की सी लैंग्वेज आपको आती होगी। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो ही आप C++ को कंटिन्यू कर पाओगे। देखो, जहां जहां मुझे लगेगा कि मुझे C++ के साथ सी लैंग्वेज को रिकॉल कराना है या सी लैंग्वेज आपको बतानी है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को वो सब चीजें साथ में बताऊंगा। मगर देखो, जैसे कुछ चेंजेस बताता हूं मैं, क्या चेंजेस होंगे सी लैंग्वेज के अंदर। अगर स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट करना है तो उसके लिए प्रिंटएफ फंक्शन काम में आता था। क्लियर है? बट C++ में प्रिंटएफ नहीं आता है। C++ के अंदर आता है सी आउट। क्या आता है? सी आउट।
वहां पे इनपुट लेने के लिए सी में एक फंक्शन काम आता था जिसका नाम था स्कैनएफ, बट सी लैंग्वेज के अंदर स्कैनएफ काम नहीं आता, आपका आता है सी इन। क्या काम में आता है? सी इन। तो कहने का मतलब है बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं, बहुत ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं सी प्लस प्लस के अंदर। तो भैया सी प्लस प्लस की क्लासेस शुरू हो तो उससे पहले आप सब लोग क्या कीजिए, जो आपने 11th में सी लैंग्वेज पढ़ी है उस सी लैंग्वेज को फटाफट से रिकॉल कर लीजिए, ताकि रिकॉल करने के बाद आप लोगों को सी प्लस प्लस को समझना यहाँ पे आसान हो जाए। मे बी आप लोगों ने वहां पे ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, वो ऑपरेटर सिमिलर सी प्लस प्लस के अंदर है, उनमें कोई चेंजेस नहीं है, दो चार नए ऑपरेटर ऐड हो गए। आपने वहां पे लूप पढ़े होंगे, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, वो वैसे के वैसे सिमिलर यहाँ पे, उनमें कोई चेंज नहीं है। आपने कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा लाइक इफ, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, ये आपने पढ़े होंगे, वो भी यहाँ पे एज इट इज ही है, क्लियर है। आपने वहां पे फंक्शंस पढ़े होंगे, वो फंक्शंस भी यहाँ पे है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुका है कि फंक्शंस को कॉल करने के तरीके, लाइक कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, इनलाइन फंक्शन क्या है, वर्चुअल फंक्शन क्या है, कुछ नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो भैया अगर सी प्लस प्लस को क्लियरली सही ढंग से पढ़ना है तो सबसे पहले सी लैंग्वेज को रिकॉल कर लीजिए। सी लैंग्वेज को जैसे ही आप रिकॉल कर लेंगे तो आपको सी प्लस प्लस समझने आने लग जाएगी। तो मैंने आज की क्लास केवल आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया है मैंने, कि आप लोगों को एक्चुअल में पता लग जाए कि यूनिट नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा गया है, और जब आप नेक्स्ट क्लास से यूनिट नंबर सेकंड हम शुरू कर रहे हैं जो सी प्लस प्लस पे बेस्ड है, तो उसके लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सी लैंग्वेज को पहले तैयार कर लेना है, देन आप सी प्लस प्लस के सभी वीडियोस को इजीली समझ पाओगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक आइडिया हुआ होगा कि क्या पढ़ा है और अब यूनिट नंबर सेकंड में क्या पढ़ना है, किनका कितना कितना वेटेज है। बोर्ड के हिसाब से 20 से 22 नंबर का पढ़ के आ चुके हैं, अब तैयारी करेंगे 16 से 18 नंबर की और रिजल्ट को और बेहतरीन बनाएंगे। फटाफट से यूनिट को कंप्लीट करके यूनिट नंबर 3 की तरफ स्विच करेंगे, वहां पे हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के बारे में, एक एक्सपेंड लेवल पे 3 ही चैप्टर है मगर बहुत ज्यादा बड़े चैप्टर है। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि आप सभी को सारे डाउट्स क्लियर होंगे और सी प्लस प्लस को हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू।